तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मैं कहता जो बिल्ली ना, बिल्ली को यहाँ पे पास में बुला लेता है और कहता, बिल्ली अगर तुम सच्ची में सांप को यहाँ पे मारना चाहती हो ना, हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्ली भी अपने इशारे से कहती ओके ठीक है। और जो जूलियन यहाँ पे थी ना, उस जूलियन के आसपास यहाँ पे बिल्ली ज़्यादातर घूम रही थी। हमारा मैं कहता समझ जाता शायद बिल्लियन को जूलियन को ज़्यादा पसंद करता है, तभी तो उसके पास ही ज़्यादा यहाँ पे घूमने रही है। तो सामने से अपना जो सॉर्ड है ना, वो कहते सुनो यार जूलियन से बोलो उसका जो वाइंड का पावर है ना, वाइंड के पावर को एक्टिवेट करे बिल्ली के आसपास। तो ये भी कहता है कि सुनो यार जो अपनी वाइंड के पावर लो और बिल्ली के आसपास यहाँ पे एक्टिवेट करो। तो भी बिल्ली के आसपास एक्टिवेट करती हो, जैसे करती ना बिल्ली वाइंड की पावर ऑब्जॉर्व करता है, और ऑब्जॉर्व करने के बाद बिल्ली का जो साइज है ना, वो साइज यहाँ पे बड़ा हो जाता है। ये लोग कहते हो सो कूल। हमारा मैं कहता भी कहता चलो यार सपोर्ट में यहाँ पर आ गया, बड़ी बिल्ली हमारे ज्यादा यूज में आएगी, मेरे पास एक प्लान यहाँ पर है। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर कैसा यहाँ पे लगा। वो लोग कहता भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लान यहाँ पर है, हालांकि थोड़ा सा रिस्की है, चलेगा, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भी विश्वास है। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो प्लान का जो पहला हिस्सा यहाँ पे था कि बिल्ली अपना आगे जाएगा और आगे जाने को देना उस सांप का ध्यान अपनी ओर यहाँ पे भड़काएगा, बिल्ली आगे जाओ और ध्यान भड़काओ। बिल्ली भी आगे निकल जाती है सांप की ओर, सांप का ध्यान है ना अपनी ओर यहाँ पे भड़काने लग जाती है। फिर लिंगबो से कहता लिंगबो और अगला प्लान तुम्हारा यहाँ पर है, तुमको अटैक को मतलब तुमको अटैक करना है और उसका जो आंख है ना उस आंख पर हमला करना है। तो लिंगबो भी कहती है आई एम रेडी, वो हमला करने को तैयार यहाँ पे थी। हमारा मैं कटक कहता रुको जरा सबर करो, इतना आसानी से हमला यहाँ पे मत करो, जल्दबाजी मत करना, आराम से करेंगे। हुआ मेरी बात सुनो भाई, जो अटैक की पावर और डिफेंस की पावर ना वो जल्दी से बढ़ा दो। हुआ कहती ओके ठीक है अभी बढ़ा। और हुआ को इसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हुआ के पास एक एबिलिटी यहाँ पर है, वो किसी को भी छोड़ के ना अपने एनर्जी की मदद से हील कर सकती है और बंदे का जो अटैक का पावर और डिफेंस का पावर ना वो बढ़ा भी सकती है। हाँ तो अपना एबिलिटी यूज करती है, लिंगबो का जो अटैक और डिफेंस का पावर ना वो बढ़ा देती है। और बाद जो बिल्ली ना अट्रैक कर रहा था, बिल्ली अट्रैक करके सांप को ना इनके पास लेके आ जाता है और अच्छा मौका मिल जाता है। लिंगबो से कहता है यही मोमेंट है अटैक करो उसकी आंखों पर। हाँ तो उसकी आंखों पे अटैक कर दिया जाता है, और जैसे आंखों पे अटैक यहाँ पे लगता है ना सांप पूरा सा हिल जाता है कि मम्मी रे मेरे आंखों पे अटैक हो गया। हमारा मैं अटैक करता चलो यार उसका एक आंख है ना अटैक हो गया, एक आंख से अंधा हो चुका है, हमको उसी एरिया से मूव करना था कि वो हमको यहाँ पे देख ना पाए। सांप जिसको आंख पे चोट लगा वो यहाँ वहाँ ऐसा छटपटाया जा रहा है, उतने में उसका ध्यान ना चल जाता है हमारे मैं अटैक की ओर और साथ ही में जूलियन की ओर, जो कि अभी के लिए हमें मालूम है क्या बड़े से बिल्ली के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सामने से अपना एरो निकालती है वाइंड वाला एरो, उससे हमला करती है जिससे जो सांप है ना सांप को यहाँ पे चोट लगता है, इनका कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाता। उतने में सांप के ये लोग भी अटैक करके आगे पीछे कर देते हैं और ये लोग बेसिकली अट्रैक करके उस एरिया में लेके जा रहे थे जिस एरिया में लीन यून यहाँ पे था। और लीन यून से कहा जाता लीन यून चलो यार हमने अपना प्लान यहाँ पे कर लिया और तुझे अपने प्लान की यहाँ पे बारी है। जो सुंदर लीन यून कहता यार समझ गया, अगर आपको याद होगा एक बड़ा सा हथौड़ा यहाँ पे तैयार कर सकता है इसका, वही बड़ा सा हथौड़ा यहाँ पे तैयार कर लेता है। जो सांप है ना डायरेक्ट सांप पे अटैक करता है जिसके सांप के बॉडी में छेद भी हो जाता है। हाँ तो अपनी लिंग वो भी देखते सीढ़ी और हमारा प्लान यहाँ पे था कि भाई ऊपर से हथौड़े से हमला करेंगे जिससे सांप का ना छेद देना वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर हो, लेकिन छेद ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है इससे उसकी जान नहीं जाएगी। हाँ तो सांप जिंदा यहाँ पे था। हमारा मैं कटा कहता डोंट वरी, जो हमारा प्लान था ना अभी अच्छे से ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको दो तीन हमला और यहाँ पे करना है। सुनो यार जूलियन अटैक करने को तैयार हो ना। जूलियन कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, वापस से अपने एरो का हमला तैयार करती है और डायरेक्ट जो सांप का मुंह है ना सांप के मुंह में फेंक के मारती है। और उसी में हमारा मैं कटा दो तीन है ना ग्रेनेड भी निकाल लेता है, वो भी डायरेक्ट उसके मुंह में फेंक के मारता है। मुंह में हमला भी आ गया, ग्रेनेड भी आ गया और हमला अंदर से लगता है जिस चक्कर में जो बॉडी है ना बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फाइनली जो सांप यहाँ पे थी ना सांप मर जाता है। और जैसे लोग देखते हैं ना 2 सेकंड तो इनको विश्वास नहीं होता कि सच में हमने इतने बड़े सांप को मार डाला। और बाद में सब लोग हुर्रे करते हैं यार सब लोग जीत गए इंक्लूडिंग वो सामने से अधिबास सीजन या तुम्हारे चक्कर में हम इसको हरा पाएगा, तुम ना होते हम हरा भी नहीं पाते। कई दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। हमारा मैं कट आराम से अपने सॉर्ड के साथ यहाँ पे बैठा था, सॉर्ड कहता है आर यू रेडी, ये कहता है यस आई बोर्न रेडी। इतना बोलने के बाद ना सॉर्ड वापस अगर आपको याद होगा उसके पास एबिलिटी है अपने इल्यूजन वर्ल्ड यहाँ पे तैयार कर सकता है और वहाँ पे ये किसी के साथ ही फाइट कर सकता है, किसी के साथ तो किसी के साथ भी नहीं, ऐसे बंद लोग जिसके साथ ना तुमने कभी कवर फाइट पहले से कर चुके हो। उसका जो डाटा है ना उसका डाटा सॉर्ड यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, उसी डाटा को लेकर ना इल्यूजन तैयार करता है, उसी इल्यूजन में तुम यहाँ पे फाइट कर सकते हो। तुमने ढेर सारे बिष्टों के साथ ना पहले भी फाइट किया था और इस सारे बिष्टों के साथ ना इस इल्यूजन वर्ल्ड में भी फाइट करना चाहता हूँ, इसके लिए आई एम रेडी। भाई मैं तो पूरा तैयार यहाँ पर हूँ, जल्दी से कोई बिष्ट कोई इल्यूजन कोई क्लोन अरे जल्दी से कोई तो आ जाओ भाई मेरे को उसके साथ यहाँ पे फाइट करना है। तो जो भी बिष्टों के साथ ये फाइट कर चुका ना सारे बिष्ट हमला करने के लिए आगे आते हैं और ये डायरेक्ट अपने तलवार से मुके से अटैक करना चाहता नहीं था। जो गन है ना ये गन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था, दोनों हाथ में गन ले लेता है, ढाई 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 गोली मारने लग जाता है। कहते वो यार दोनों हाथों से गोली चलाने में जो मजा मुझे आ रहा है ना वो मजा यहाँ पे बड़ा कमाल का, मार्शल यहाँ पे मजा आ गया। ऐसा करते 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 जो भी बिष्ट यहाँ पे थे ना सारे बिष्टों को ये मारने लग जाता है। और तभी अचानक से जो लू शेव था ना लू शेव भी यहाँ पे आ जाता है।
और कहता है, वो शीजिन लगता है तुमको यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है ना, थोड़ा बहती गंगा में हाथ मैं भी धो लेता हूँ, मेरे साथ भी दो दो हाथ कर ले। हमारा मेकर टेक कन्फ्यूज है, अभी मैंने तेरा इल्यूजन यहाँ पे तैयार नहीं किया था, फिर तू कैसे आ गया यहाँ पर? वो बताता है कि वेल मैं कैसे यहाँ पर आ गया, भूल जाओ यार, मेरे पास भी सिकाडा सोड भी है और तुम्हारे पास डेमन सोड है, दोनों सोड के औका देना बराबर यहाँ पर है। जैसे तू इल्यूजन वर्ल्ड में आया ना, मैं भी वैसे इल्यूजन वर्ल्ड में यहाँ पर आया हूँ, दोनों वर्ल्ड ना हम दोनों कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब हम दोनों ये वर्ल्ड कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मेकर टेक कहता है, क्या बात कर, सच्ची में ये काम करता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तुझे ना लड़की बना देता हूँ, फिर मजा यहाँ पर आएगा। जो सुनते वो भी कहता, साले मैं तुझे अपने भाई जैसा ट्रीट यहाँ पे करता था, तू मुझे लड़की बना के मेरे साथ यहाँ पे घपा घप करना चाहता है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या? हमारा मेकर टेक कहता, भी तेरी हरकतों से, तेरी बातचीत से तो मुझे तो लगता है शायद तू कोई लड़की यहाँ पर होगा, बस लड़का बनने का नाटक यहाँ पे कर रहा है। वो कहता, नहीं भाई मैं सच्ची में लड़का हूँ, खुल के दिखाऊँ क्या? लड़की भाई, लड़की से मैं पास भी नहीं गया हूँ, आखिरी बार किस लड़की के साथ मैंने छुआ भी था, कब मैंने बातचीत की थी मुझे याद नहीं है। इससे मुझे आइडिया आया है, हम दोनों ये वर्ल्ड यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं कंट्रोल करता हूँ और मैं तुझे लड़की बना देता हूँ। हमारा मेकर टेक कहता, क्या मुझे लड़की बनाएगा? नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ लेकिन लूश है, उसको लड़की यहाँ पे बना देता है, और देख सकते भाई लड़की बनने के बाद कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। हमारा मेकर टेक कहता, कितना निर्दय आदमी है, एक आदमी इतना निर्दय कैसे हो सकता है? लूश है, वो कहता है मैं कोई आदमी नहीं हूँ, शैतान यहाँ पर हूँ, शैतान, ये लो, इतना बोल के हमला कर देता है। जो मेकर टेक है उसका जो गन ना, वो गन को ऐसा ये कर देता है, फेंक देता है तोड़ फोड़ कर। तो हमारा मेकर टेक भी तलवार निकाल के फाड़के लग जाता है। ये कहते हुए ठैंक और, ये बस इल्यूजन यहाँ पर है, रियलिटी में अगर तूने मेरे गन के साथ कुछ किया रहता ना, अपन मालूम है क्या करता, पैसे तो उससे लेता, हाँ दो गुना ज्यादा पैसा यहाँ पे लेता। फिर जो तलवार है ना, तलवार के साथ यहाँ पे फाइट वाइट होने लग जाती है, कभी वो तलवार से हमला करता है, कभी ये तलवार से हमला यहाँ पे करता है, और अचानक से हमारा मेकर टेक और गन निकाल के डायरेक्ट उसका जो सर है ना, सर पर टान लेता है और 250 गोली चला देता है। लेकिन लूश है, अभी अटैक को आराम से डॉच कर लेता है, और जैसे अटैक यहाँ पे डॉच करता है, उसका तो मालूम हमारा मेकर टेक क्या करता है, कुछ नहीं करता, क्योंकि लूश है ना, वो अपने छोटे मोटे ज़ॉम्बी से यहाँ पे बुला लेता है, और जाकर हमारा मेकर टेक ना ग्रेनेड जो बम यहाँ पे था ना, वो बम यहाँ पे निकाल लेता है और उस बम से हमला यहाँ पे करता है। और जैसे उस बम से हमला यहाँ पे करता है ना, तो मालूम है क्या होता है, अरे ज़ॉम्बीज की मौत यहाँ पे हो जाती है, और क्या, उसके बाद ना सामने धुआं ऐसा हो गया था, वो धुआं क्लियर होता है, और जैसे धुआं क्लियर होता है ना, अंदर से सीजन आते हुए दिखाई देता है। हाँ तो लूश भी हमला करता है और ढंग से हमला कर देता है, और हमारे मेकर टेक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन आइडिया चलते हो, हमारा मेकर टेक नहीं था, वो तो आइस का बना हुआ एक पिलर यहाँ पे था, ये भी कन्फ्यूज, अरे बाप रे तू आइस यहाँ पे यूज कर सकता है इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, मुझे तो रियल लगा था, रियल वाला पीछे यहाँ पे खड़ा था और उसने आग का हमला यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार कर ही लिया है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इल्यूजन वर्ल्ड में फाइट चालू है। देखते भाई इल्यूजन वर्ल्ड के फाइट यहाँ पे कब जीतेगा, कौन जीतेगा, और ये वापस कब जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।